اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وممن حوله من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بما وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضغارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وارصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن ان اردنا الى الحسنى والله يشهد انهم لكاذبون لا تقم فيه ابدا لمسجد اسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على التقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه أمن أسس بنيانه على شفا جرف حارفا حار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم और जो महाजरीन और अनक और मुकदम है और जितने लोग इखलास के साथ उनके पैरों हैं अल्लाह उन सबसे राजी हुआ और वो सब उससे राजी हुए और अल्लाह ने उनके लिए ऐसे बाघ तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें जारी होंगी जिनमें वो हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है और कुछ तुम्हारे गर्दोपेश वाले देहातियों में और कुछ मदीने वालों में ऐसे मुनाफिक हैं कि निफाक पर अड़े हुए हैं आप उनको नहीं जानते उनको हम जानते हैं हम उनको दोहरी सजा देंगे फिर वो बड़े भारी अजाब की तरफ भेजे जाएंगे और कुछ और लोग हैं जो अपनी खता के अखरारी हैं जिन्होंने मिले जुले अमल किए हैं कुछ भले और कुछ बुरे अल्लाह से उम्मीद है कि उनकी तोबा कबूल फरमाएं बिलाशुबा अल्लाह बड़ी मफ्रत वाला और बड़ी रहमत वाला है आप उनके मालों में से सदका ले लीजिए जिसके जरिए से आप उनको पाक साफ कर दें और उनके लिए दुआ कीजिए बिलाशुबा आपकी दुआ उनके लिए मजब इत्मीनान है और अल्लाह खूब सुनता और खूब जानता है क्या उनको ये खबर नहीं कि अल्लाह ही अपने बंदों की तोबा कबूल करता है और वही सदकार को कबूल फरमाता है और ये कि अल्लाह ही तोबा कबूल करने में और और ये कि अल्लाह ही तोबा कबूल करने में और रहमत करने में कामिल है कह दीजिए कि तुम अमल किए जाओ तुम्हारे अमल अल्लाह खुद देख लेगा और उसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे और तुमने ऐसे के पास जरूर जाना है जो तमाम छुपी और खुली चीजों का जानने वाला है सो वो तुमको तुम्हारा सब किया हुआ बतला देगा और कुछ और लोग हैं जिनका मामला अल्लाह का हुक्म आने तक मुलतवी है उनको सजा देगा या उनको या उनकी तोबा कबूल कर लेगा और अल्लाह खूब जानने वाला और बड़ा हमत वाला है और बाज ऐसे हैं जिन्होंने इस गर्ज के लिए मस्जिद बनाई कि जरर पहुंचाए और कुफर की बातें करे और ईमानदारों में तफरीक डालें और उस शख्स के ख़याम का समान करें जो पहले से ही अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है और खसमे खा जाएंगे कि बजस भलाई के और हमारी कुछ नीयत नहीं है और अल्लाह गवाह है कि वो बिल्कुल झूठे हैं आप उसमें कभी खड़े ना हो अलबत् जिस मस्जिद की बुनियाद अवल दिन से तखवा पर रखी गई है वो इस लायक है कि आप उसमें खड़े हों। उसमें ऐसे आदमी है कि वो खूब पाक होने को पसंद करते हैं और अल्लाह खूब पाक होने वालों को पसंद करता है फिर आया ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी हो या वो शख्स के जिसने अपनी इमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर जो कि गिरने ही को है रखी हो फिर वो उसको लेकर आतिश दो शख्त में गिर पड़े और अल्लाह ऐसे जालिमों को हिदायत ही नहीं देता उनकी ये इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में शक की बुनियाद पर कांटा बनकर खटकी रहेगी हाँ मगर उनके दिल ही अगर पाश पाश हो जाए तो खैर और अल्लाह बड़ा इम वाला और बड़ी हमत वाला है جزاكم الله خير وانت فجزاكم الله خيرا بارك الله فيك اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي موزه ماما بياري بنو بياري بيتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الله پاک کا احسان عظیم ہے کہ اللہ وتعالى نے شريعت میں यानी अल्लाह के रसूल की जब दौर गुजर रहा था यानी उस वक्त जो नफोज थे उस वक्त जो सहाबा سبحان सुबह उसकी ऐसी ऐसी ईमान अफरोज वाकयात अल्लाह ने हमारे सामने रखे ना तो इन उन ईमान अफरोज के लिए हम पहले अल्लाह का शिक्र अदा करेंगे कि अल्लाह तला ने हमें इतने बेहतरीन वाक्यात हमारे सामने रखे ताकि हम जन्नत के राहों को अपने आसान करें इन जन्नत की राहें हमारी आसान हो जाएंगी इन वाकयात को जब हम देखेंगे तो आज के इस रुकआ में भी तौबा के नंबर में आ, एक ऐसा प्यारे वाक्य की तरफ इशारा हुआ है कि जो हमारे लिए बड़ा ईमान अफरोज है वो देखने पर हमें पता चलता है कि कैसे साहबा के मामला कैसे थे हम इतने दिन से पढ़ते आ रहे हैं पढ़ते आ रहे हैं सूरे तौबा के तकरीबन रुकू हमने ये देखे कि जिसमें मुनाफिकों का मुनाफिकों का यानी अल्लाह सल ताला ने बहुत डांट लगाई मुनाफि को इनकी ये आदत ये गंदी आदत ये ऐसी खोल -खोल रख दी तो मेरी बहन ऐसा आया होगा ना हमारे दिल में दिमाग में कि हम इनशा नफाफ़ इन के कोई चीज को हम अपने अंदर आने नहीं देंगे जैसे हम इतने दिन से जो बहने अलहमदिल्ला पाबंदी के साथ सुन रही हैं अल्लाह तुन मजीदी तोफीक दे अमीन अरब अल्हमदल्ला तो आप आपने हमने ये फैसला किया था ना कि मतलब अपने खरूब में के इंशाला हम निफाक से अपने आप को दूर करेंगी तो मेरी बहनों देखिए एक आज आय मेन जो निफाक का है वो, वो हाथ फट जाना माल से अल्लाह अल्लाह के राह में जिहाद करने से रुक जाना ये मुनाफिकत की खुली निशानी है तो अब ये जो खुली निशानी है और जो इंसान अपने रब से इतनी मोहब्बत नहीं करता कि अल्लाह के लिए माल और जान देने के लिए तैयार नहीं होता तो ऐसे निफाक वाले दो किस्म के होते एक होता कि पक्का मुनाफिक हमेशा वैसे ही रहता हो यानी जैसे हमने पिछले दुरुस्त में देखा कि वो कैसे जम के रहता है अपने निफाक पर वो हटता नहीं है चाहे कुछ भी हो लेकिन बाद मुसलमान ऐसे थे जो निफाफ थोड़ा सा भी आता उनके अंदर तो तौबा स्तवार करते थे आज हम आज के रुकू में बहुत जबरदस्त वाकया है उनके अः तोबा करने का यानी जो मुसलमान ऐसी हरकत करे थे थोड़ा सा सुस्ती जाहिर करे थे अल्लाह ताला के राह में जाने के लिए तो ये उनकी सुस्ती जब उनको पता चला कि अल्लाह ताला इतने नाराज़ होते हैं उनको उसको मुनाफिक का लफ्ज अल्लाह ताला उसके लिए इस्तेमाल करते हैं और अल्लाह ताला तसे सख्त नाराज है मुनाफिक से और मुनाफाना कोई खसलत को अल्लाह ती बर्दाश्त नहीं करती यानी अल्लाह ताली इसको यानी सख्त वाईदे सुनाते हैं नौजबल क्या कहते हैं सख्त वईदे सुनाई जाती हैं उसके लिए तो वो अल्लाह तबारक यहाँ पर बयान किया है कि देखिए सहाबा कैसे थे कि उन्होंने फौरी तौबा किया ये जानने के बाद कि मुनाफिक बदतरीन अः शख्स है मुनाफिक जो अल्लाह की नज़र में तो उन्होंने अपने आप को निफाक का थोड़ा शायबा भी अपने अंदर बाकी ना रहे इस चीज़ के लिए जदोजहद की थी आज वो आखे आएगा तो आइए देखते हैं कि पहले जो रुकू की तिलावत की गई तो पहले जो बात गई क्या फरमायाल्लान अब जो महाजिर हैं अः जो सबिवलिन अवलिन में से यानी पहले पहले जो अः यानी मुकदम थे ना वो लोग आगे आगे बढ़ के अः हिजरत किए थे तो उनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं कि कुछ ऐसे हैं जो महाजरीन और अनसार हैं महाजरीन और अनसार हैं जो अः मुकदम हैं यानी आगे आगे रहते हैं और जितने लोग इखलास के साथ इनके पैरोकार हैं अल्लाह इन सब से राजी हुआ सुखान अल्लाह यानी हिजरत में वो जल्दी करे आगे बढ़े महाजरीन हिजरत में जल्दी करके आगे बढ़े अनसार में भी कुछ ऐसे हैं अल्लाह अल्लाह ने जैसे ऐलान किया तो फौरी लब्बैक कहे उठे है ना तो जैसे जंग का ऐलान हुआ तो फौरी लब कह उठे तो ये जो सहाबा थे तो वो सहाबा के बारे में इस रुकू से शुरू हो रहा है इससे पहले कि हमने अः लास्ट हमने आ, आ, लास्ट रुकू में यानी क्या पढ़ा था कि अल्लाह ताला उनसे राजी होता है जो अल्लाह ताला की राह में जद्दोजहद करते हैं अल्लाह का खुरब हासिल करने के लिए अपने जान अपने माल अल्लाह की राह में लगाते हैं ताकि उसके जरिए से वो अल्लाह की खुरबत हासिल करें पिछला यही पढ़ा था ना हमने और उनका मस, मकसद क्या होता है देहातियों का वो कि अल्लाह की राह में मान लगा के अल्लाह की खुरबत हासिल करना और रसूल की दुआ पाना तो ये था ना तो अल्लाह तला अल्ला बेशक, बेशक उनके लिए ही खुरबत अल्लाह और अल्लाह कहाँ दाखिल करेगा सयदी अल्लाह ने कहा कल यानी पिछले दस में हमने पढ़ा था ना कि अल्लाह उनको जन्नत में अपनी रहमत में दाखिल करेगा तो अल्लाह की रहमत वाली जन्नत तो माशाल्लाह बहुत ही मदा है तो इसके बाद आगे वही कंटिन्यूशन अल्लाह ताला फरमाता है कि बस साबन और किसको अल्लाह ताला अपनी रहमत में दाखिल करेगा कौन किससे अल्लाह राजी होगा जो सब अबलून है यानी सुनते ही लब कहते हैं जैसे हिजरत का हुक्म हुआ सुनते ही हिजरत कर डाले अः अपना घर बार माल दौलत सब चीज छोड़ छाड़ के अल्लाह की राह में निकल गए अब यहाँ पर हुक्म हो रहा है कि तुम जाओ और अपने जान माल के साथ अल्लाह की राह में जिहाद करो तो फिर राजी हो जा रहे हैं तो अंसार में से भी है महाजरीन में से भी है अः uh, क्या बोल मिनल हैं मिनल महाजरीनसार महाजरीन में से भी ऐसे लोग हैं अनसार में से भी ऐसे लोग हैं जो सुनते ही यानी सबकून है लेकर ने करने वाले वलसान यानी अल्लाह ताला बता रही और भी कितने लोग हैं उनके साथ अनसार और अंसारहाजरीन के साथ और भी कितने लोग इखलास के साथ उनके पैरोकार है यानी जो यानी अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म था फौरी कर डालते थे तो अल्लाह ताला बता रहा है रद्दी अल्लाह अन्हुम वरदुअन अल्लाह इन सब से राजी हुआ और वो सब इससे राजी हुए और अल्लाह ने उनके लिए लहुम जन्नात तजरी मिन तहतिहा अलअनहार ऐसे बागात उनके लिए तैयार कर रखे जिसके नीचे नहरें बहती खालिदीन फीहा अबदा जिसमें हमेशा हमेशा वो रहेंगे ज़ालिकल फौजुल अजीम ये बड़ी कामयाबी है तो अल्लाह अब अल्लाह यहाँ पर जन्नत की बशारत देते हैं उन लोगों के लिए जो वो यानी यानी सुनते ही उनसे कहा गया कि देखो अल्लाह की राह में जिहाद के लिए जाना है सुनते ही फौरी क्या हुए उठ खड़े हुए अल्लाह की राह में जाने के लिए अल्लाह की राह में अपना जान और अपना माल लगाने के लिए उठ खड़े हुए तो ऐसे लोगों के लिए बशारत दी गई देखिए बहनों अल्लाह ताला के पास यानी ये जो आ, क्या कहते हैं कि अम्म रुकू जो आज हम पढ़ रहे हैं या फिर सारी सूरत तोबा जो हम पढ़ते आ रहे हैं तो ये रोजाना एक एक रुकू का हम तर्जमा तफसीर करते हैं ना सूरत तौबा का तो अभी अभी चल रहा है सूरत तौबा तो ये हम इसमें देख रहे हैं मुसलसल यही देख रहे हैं कि अल्लाह ताला अल्लाह की राह में आगे बढ़ने वालों के लिए खुशखबरियां देता है और जो पीछे हट जाते हैं और अपने आप को क्या समझते हैं कि हम बहुत होशियारी कर लिए पीछे हटके तो अल्लाह ताला उनको ईदें सुनाता है कि तुमने कोई अच्छा काम नहीं किया अपने आप को यानी सेफ है हम सेफ हो गए सेफ हो गए क्या बोलते हैं ना हिजरत करें हम ना जाके जिहाद करें उससे क्या हो गया सेफ हो गया हमारे जान हमारी माल हम सेफ हैं तो नौजुबिल्लाजुबिल्ला जो अल्लाह ताला की मोहब्बत में जज्बे के साथ आगे नहीं बढ़ता तो अल्लाह ताला उसके तुम वीदे सुनाते हैं और जो शख्स जो शख्स अल्लाह ताला की राह में मर मिटने का जज्बा रखता है और फौरी अल्लाह की पुकार पर रसूल की पुकार पर लब्बैक कहता है तो उसके लिए बड़ी खुशखबरियां अल्लाह ताला ने रखी जालिकल फौजुल अजीम कहा यह बड़ी कामयाबी अब अल्लाह ते फरमाबी मुनाफिक और तुम्हारी गर्द पेश में यानी देहातों में से कुछ और भी हैं जो कैसे हैं मुनाफिक हैं मदीना वालों में से ऐसे मुनाफिक हैं कि पर वो अपने अड़े हुए जैसा मैंने अभी कहा ना आपसे अभी कहा ना आपसे के बाद लोग ऐसे थे जो अपने निफाक पर अड़े पर रहते थे उन्हें उन्हें देना ही नहीं है जान माल अपने अल्लाह की राह में यानी बचा बचा के रखते थे और क्या समझते थे कि वो कामयाब है कैसा बच जाना दीन से चलने पर कैसे पीछे हट जाना बस उनके पेश नजर यही होता था तो अल्लाह ताला, ताला बता रही कि कुछ ऐसे लोग हैं कुछ ऐसे लोग हैं मदीने में भी हैं कि ऐसे मुनाफिक के निफाक पर अड़े हुए हैं निफाक पर अड़े हुए हैं यानी देखिए मरदा या फिर तमरुद का जो लफ्ज आया ना यहाँ पर मर्दू वाला अल निफाक का जो लफ्ज आया है उसका माना क्या है यानी सपाट हो जाना यानी देखिए कोई चीज ऐसी होती ना कि मतलब वो कहा जाता ना है ना कि एक मिस्र मशहूर है देखिए कि यानी ये तो बड़े चिकने हैं यानी कुछ भी बोल लो इनको कुछ भी असर नहीं होगा ये तो बड़े चिकने हैं मतलब ये कि वो मानने वाले नहीं है जो भी जो भी डालेंगे उनके ऊपर वो बह के चले जाएगा वो अः उसको सीरियस नहीं लेंगे तो ये जो बात कही जाती है अल्लाह ताला ने भी वो लफ्ज इस्तेमाल किया है यहाँ पर कि ऐसे बंदे हैं ऐसे लोग हैं जो क्या करते हैं यानी कितना भी बोल लो उनको मुनाफिक के लिए वो लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि कितना भी उनको बोल लो वो नहीं कि उनको कितना भी कुछ भी बोल लो वो मानने वाले नहीं मानने वाले नहीं तो अल्लाह ताला उनको बतला रहे हैं कि ये कुछ लोग ऐसे हैं विफाक में जो पक्के हैं उनको कुछ भी बोल लो वो नहीं मानेंगे आपकी बात वो कुछ भी बोल लो उनको नहीं मानेंगे यानी मतलब ये कि आप उनको कितना समझा लो कितनी हकीकत बता लो कुछ भी करो लेकिन नहीं वो अल्लाह की राह में मर मिटने के लिए तैयार होंगे ही नहीं ऐसे लोग निफाक को अपना उन्होंने क्या कर लिया अपना उड़ना बिछोना बना लिया यानी उनके अंदर कोई जज्बे ईमानी नहीं है ईमान का जज्बा नहीं है बस ऐसी जिंदगी गुजार रहे तो अल्लाह ताला बता रही के कुछ ऐसे हैं जो मरदु अल मरदाक ला मोहम्म आप इनको नहीं जानते यानी हमें नहीं पता कि कौन किसके अंदर निफाक है यानी अल्लाह के रसूल को अल्लाह ताला बता रही के आप नहीं जानते किसको बता रही ला आला एन नबी तुम उनको नहीं जानते अभी अल्लाह ये देखिए कुरान कौन थे मेरी बहन अल्लाह के रसूल वसल्लम थे ना मुखातिब करके अल्लाह के वसल्लम को अल्लाह ताला बता रहे नहीं जानते कितना खुला रहा जा रहा है नबी को नहीं है सिर्फ अल्लाह को है नबी को नहीं है लोग झूठ गढ़ते हैं लोग झूठ गढ़ते हैं ये कहकर के अः कुरान कहता है कि हाँ। खुद कह रहे जानते किसके अंदर निफाक है तो मेरी बहन आज में आप भी मुश्किल होगी हमको देखने के लिए किसके अंदर निफाक है तो लिहाजा दूसरों को देखने के बजाय खुद को चेक कर ले खुद को चेक करें कि कहीं अल्लाह न करें हमारे अंदर निफाक तो नहीं है निफाक खतरनाक बीमारी खतरनाक आ, क्या कहते हैं कि मर्ज जो ईमान को खा जाता है खतरनाक जो ईमान को खा जाता है तो अल्लाह ताला बता रही कि ऐसे लोगों लोग अजाब दिए जाएंगे दोहरा अजाब अजाबूना इला अदाबिन दुनिया में उनको दोहरा अजाब मिलेगा दुनिया में उनको दोहरी सजा मिलेगी और फिर सुम्मा फिर यदूना वो लौटाए जाएंगे इला अदाबिन अजीम बड़े अजाब की तरफ फिर लौटाए जाएंगे तो ये खतरनाक ही बहुत है मेरी बहन तो निफाक से फौरी तौबा करना है जैसे आगे आ रहा ना वाकया कि कैसे निफाक से तोबा किया था साहबा ने दिल आ, यानी दिल दहला देने वाला वाक है वो यानी हम तस्वुर भी नहीं कर सकते इतना ज्यादा तोबा सख्ती से कोई कर सकता है अल्लाह अकबर ये कर दिखाया साहबा ने तो मेरे हाल देखिये आगे बढ़ते हैं वह आ खरून अचार भी दोनों हाँ अभी आगे आइए अभी आ गया वाकया अल्लाह तला बता रही के कुछ ऐसे हैं वह आ गया 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 आप देखेंगे कुछ लोग और हैं जो अपनी खता के इखरारी हैं यानी ये वो मुखलिस मुसलमान हैं जो बगैर उजर के सिर्फ एक काहली की वजह से तबूक में नबी के साथ शरीक नहीं थे गजब तबूक अच्छा मेरी बहन पहले देखते हैं कि गज़ब तबूक क्या है थोड़ा सा मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन दे दूं तो और बेहतर समझ में आएगा कि साहबा कैसे माफी मांगे थे मस्जिद नब्बी के सतूनों से अपने आप को बांध लेके आपको थोड़ा समझ आएगा ये क्या था मेरी बहन तीन हजार मुसलमान थे सिर्फ गजबे तबुक में नौ हिजरी में हुई ये गजबा तीन हजार मुसलमान थे और उधर दो लाख रूमी थे दो लाख रूमी रोम सुने ना मुल्के रोम सुने होंगे आप तो ये रोम था रोमन एम्पायर जो हम हिस्ट्री में भी पढ़े हैं तो ये रोम की ताकत बहुत थी उस जमाने में भी अल्लाह के रसुल के जमाने में और लोग देख रहे हैं कि ये गजब तबूक जो हो रही है वो तबूक कौन सी है? मेरी बहन याद रखिए दोबारा कह रही हूँ गजब तबूक हुई थी रोमियों के साथ रोमियों के साथ जो जंग हुई थी रोमियों के साथ जो जंग हुई थी उसको गजब तबूक कहा जाता है वो जंग जिसमें तीन हजार मुसलमान थे दो लाख रूमियों को अः रूमी इनकी ताकत को दबाने में जो कामयाबी हासिल की थी ना मुसलमानों ने वो यानी अः अल्लाह अकबर जी तो रोमियो से जो मुस, मुसलमानों की जो टक्कर होने वाली थी ना वो जबरदस्त टक्कर थी यानी अब ये कबाइल जो यानी अतराफ में नबी सोश्रम के जमा हो रहे थे तो रोमियो ने ये फैसला किया था कि देखो ये सब जमा हो रहे हैं नबी सम के हाथ पर ईमान ला रहे हैं मदीने में सब जमा हो रहे हैं तो एक फैसला कुन जंग कर देंगे हम ये सोचकर दो लाख की बड़ी फौज जमा की वो लोग और क्या सोचे कि वो लोग आएंगे और आके मदीने में ही सबको खत्म कर देंगे और से सुनिए ये तारीख हमें याद रखना है क्योंकि तारीख वो चीज़ होती है जब हम तारीख अपनी याद रखते हैं तो अपना प्रेजेंट एंड फ्यूचर दो भी सेफ होगा पास्ट जब हम याद रखेंगे ना अपना तो प्रेजेंट एंड फ्यूचर दो भी सेफ होगा हमारा ये नुकात होते हैं समझने के क्या फरमा रही है यहाँ पे अल्लाह तला की जो है ना एक फैसला कुन जंग अल्लाह तहाँ पर अः यानी बतलाए हमको गजय तबुक की शक्ल में है ना जो अल्लाह के रसूल रसुलसलम के दौर में हुई थी नौ हिजरी में हुई थी आप हिजरत करके नौ साल हुआ था अल्लाह के रसूल रसोलम को हिजरत किए हुए और ये ये खूबसूरत तोबा की बात जो हो रही है वो इसीलिए हो रही है यहाँ पर कि मतलब मुनाफि जो पीछे हट गए थे इसीलिए हटे थे क्योंकि एक तो गर्मी थी जैसा कि मैंने पिछले दुरुस्त में आपको बतलाया ना क्या लफ्ज था वो क्या कह रहे थे वो लोग नहीं 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 जाओ अः क्या बोलते गर्मी है गर्मी है जाएंगे तो क्या होगा परेशान हो जाएंगे गर्मी है नहीं जाओ कल पढ़े थे ना पिछले दर्श में कि क्या कह रहे थे वो लोग कि बहाने बना रहे थे बहाने बना रहे थे कह रहे थे कि हार ये गर्मी है नहीं जाएंगे तो अल्लाह ताला क्या बोले थे पीछे पड़े थे ना हम पिछले में कि अल्लाह ताला बोले नारा जहन्नुम नारे जहन्नम की आग तो और भी खतरनाक है बोले तो बहरहाल वजह क्या बनी थी लोगों के नहीं जाने की खासकर मुनाफिक जो अपना उनका निफाक जाहिर हो गया कैसे हुआ क्योंकि रूमियों से जो टकराव था मुसलमानों का तो वो खतरनाक था लोगों को देखकर ही डर हो रहा था कि कैसे हम वो दो लाख लोगों का मुकाबला करेंगे जबकि यहां पे सिर्फ तीन हजार लोग हैं तीन हजार में और दो लाख में कितना फर्क है डबल भी नहीं है छह हजार भी नहीं है डबल के डबल भी नहीं है उससे डबल भी नहीं है दो लाख है तो आप अंदाजा लगाइए कैसा ईमान था सुफहान अल्लाह साहबा कराम का सुफान अल्लाह सुफहान अल्लाह कैसा ईमान था दो लाख लोगों से टक्कर लेने के लिए जमा हो गए अच्छा आप वहां पर ऐसे ऐसे ईमान अफरोज वाक्यात आपको मिलेंगे गजब तबूक में इनशाला कभी हम उसका एक दर्ज रखेंगे अलग से लेकिन इतना तो पता हो आपको कि वहां पर मुसलमान बेसरो सामानी के साथ थे बेसरो सामानी के साथ थे उनको यानी उनके पास किसी के पास क्या कहते हैं कि घोड़ा नहीं था जाने के लिए किसी के पास हथियार नहीं थे जा, जाने के लिए ज, जा रहे हैं कि जंग में शरीक हो और जरूरी है वहां पे जंग में ज्यादा लोगों को जमा करना तीन हजार ही छ लाख की फौज है और वो दो लाख की फौज ये कह के आ रही है कि मदीने में घुस के सार, सारों को मिटा देंगे सारे मदीने में हम कब्जा कर लेंगे ये सारे मुसलमानों को हम मिटा देंगे ये सोचकर वो उठकर आए थे तो यहाँ से आगे बढ़कर कोई मदीना गए होंगे तो पता होगा मदीने से आगे तबूक का आ, है ना मैदान तबूक आगे आता ना तो तबूक वो लोग आगे बढ़े मदीने से निकल के जाके वो लोग बोले तुम आके मारने की वजह हम ही तुमको जाके मारेंगे अल्लाह अकबर अब ये जो मौका था मेरी बहन ऐसे ऐसा हाल था कि गर्मी थी सख्त गर्मी थी और आजमाइश ये थी साहब अक्राम को कि एक तो बाघ पकाए थे एक तो बाघ पकाए थे यानी उस वक्त उन लोगों के क्या कहते हैं कि वो एक ही जरिया था ना उनके पास एक तो था बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का और दूसरा था उनके जो खजूर के बागात तो के बागाद के कटवाई का वो मौसम था गर्मा मौसम गर्मा कटवाई का फिर ये देख रहे हैं कि सख्त गर्मी है और ये भी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा क्या कहते हैं कि गर्मी सख्तरीन गर्मी है गर्मी है तो अब यहाँ पर का निफाक उभर अब बाज मुसलमान जो थोड़े से सुस्त पड़ गए थे कि नहीं अरे सब जा रहे ना ठीक है आ, हम आ, इनके पीछे मतलब अब ये खेत वगैरह कैसे करेंगे ये सब करना है हमें अः इससे तो इकोनॉमी पर भी असर होगा ना क्या पता नहीं क्या क्या सोच लिए और उन्होंने अपने आप को रोक दिया था गजबे में जाने से ग़ज़बे में जाने से रोक दिया था और सुबह अल्लाह ये वही गजब है मेरी बहनों जो जहां पर ऐसे ऐसे वाकयात जैसे मैंने आपको बताया कर दिए थे अबू बकर सिद्दीक अपना सारा माल लेकर ले आए जो तकरीबन चार हजार दिरहम था वो जमाने में बहुत थी वह दौलत तो रसोलम पूछे ना आपसे कि अपने अहल के लिए भी कुछ छोड़ा है अबू बकर तो क्या कि उनके लिए मैंने अल्लाह उसके रसूल को छोड़ा है अल्लाह अकबर हजरत उमर बिन खत्ता लाए थे उस्मान बिन अफान ने कहा था के, आ, यानी, उस्मान बिन अफान के बारे में कहा जाता हैचास घोड़े कई चीजें वो ला कर दिए थे बहुत ज्यादा माल लाए थे हजरत अब्दुलरहमान बिन औला ये, ये पूरे लोग हजारों की तदाद में यानी अपना यानी अपना माल अपनी दौलत सब लाखा के यानी खातन के जब तरफ जब आ, यानी हम नजर डालते हैं तो खातिन ने इतने सारे जेवर अपने निकाल निकाल कर दे दिए थे अल्लाह के राह में के ये जेवर हम आ, इसके लिए क्या कहते हैं कि अः गजवा तबूक के लिए देंगे एक होशियारी है ये भी सुफान अल्लाह ये कोई नादारी नहीं है इनकी ऐसा उठा उठा के दे देना सब अल्लाह के रहा में ये ये बहुत बड़ी होशियारी मैं तो कहूँगी छोटी मोटी ने बहुत बड़ी होशारी कैसे देखिये जो माल जो दौलत हमारे पास होता है वो चंद दिन का होता है चंद दिन का होता है लेकिन नेकियां जो होती हमेशा के लिए रह जाती हैं तो मेरी बहनों जो हम अल्लाह की राह में देते हैं वो हमेशा के लिए सेफ हो जाता है तो ये सहाबिया जो दिए थे अपना जान अपना माल अल्लाह की राह में सहाबा सहाबिया जो बेदरी लौटा लुटा दिए थे अच्छा ये जंग में सिर्फ आ, आ, मर्द ही नहीं खातिन भी शामिल हुई थी तो खातिन भी अपना जान और माल अल्लाह की राह में देने के लिए यानी बेदरी आगे बढ़ी थी उसमें से बाज ऐसे भी थे साहबा जो मेहनत हम पिछले पड़े ना शुरू में मेहनत मशक्कत करके थोड़ा बहुत लाके अल्लाह की राह में दे सके थे उनके पास उतना ही था तो मुनाफि हसरन थे उनको देख के पिछले हमने पढ़ा था ना पिछले दुरूस में कि ये का ही था ये कि कुछ लोग बहुत ज्यादा ला दे रहे थे तो उनका भी मजाक उड़ा रहे थे मुनाफिक ये कह करके देखो ये तो हो गया इनका काम अबू बकर को देखो सारा माल उन्होंने लुटा दिया अब अरे खलाश हो गए हंस रहे थे अच्छा कोई थोड़ा जो उसके हिसाब से थोड़ा सा निकला वो ला कर दे रहा था तो उस पर हंस रहे थे देखो ये कितना थोड़ा दे रहा है इससे क्या होगा यानी ज्यादा देने वालों का भी मजाक उड़ा रहे हैं अब होता ना दुनिया दुनिया यही है ना अभी दुनिया में अक्सर आपको देखा आप देखेंगे ज्यादा अच्छे काम करने वालों को भी रोक रोकते हैं थोड़ा कुछ अच्छा करा तो हाँ थोड़ा क्या उसका क्या उसका क्या हिसाब है ज्यादा अच्छा करने वाला आ, इन तो बहुत दिखाते हैं अपने आप को बड़े सभी काम ये कर रहे हैं इधर भी ऑब्जेक्शन उनको खुद को कुछ करना नहीं होता सिर्फ ऑब्जेक्शन करेंगे ये तो ऐसी मिसालें मुनाफिकीन की पिछले गुजर चुकी सारे सूरत में हम पढ़ते आ रहे हैं तो ये मुनाफिक की ये चीजें हमको नजर आती हैं तो इसमें बाज मुसलमान अब देखिए मुनाफों की तैदा बहुत थी ना तो इसीलिए अल्लाह ने बार, बार मुनाफिकों के बारे में कहा कि ऐसे हैं ऐसे ऐसे हैं तो अब जो साहबा अपने अंदर निफाक को थोड़ा भी देखे फौरी धो दिए फौरी धो दिए ये आए थे जब नाजिल हुई मेरी बहनों तो अल्लाह के रसूल अः के पास साहबा दौड़ दौड़ कर आते और पूछते कि मैं ये कर दिया कहीं ये निफाक तो नहीं है मेरे से ऐसा हो गया कहीं ये निफाक तो नहीं है तो उनके बारे में अल्लाह तुरान की आयत नाजिल करते हैं जैसे कि आज हम पढ़ रहे हैं उनके बारे में कुरान क्या आयतें नाजिल हुई क्या बोले अल्लाह ताला के व आखरू अच्छा भी दोनों भी कुछ साहब आए और अल्लाह के रसूल से बोले कि अल्लाह के रसूल क्या हम भी निफाक में चले गए हम भी खता करे थे हम हम भी मतलब सुस्ती करे थे थोड़ा जाने के लिए यानी गजब तबूक में शरीक होने से थोड़ा सुस्ती हमसे भी हो गई थी अब हमें अपने गलती का एहसास हो गया हम कब भी नहीं करेंगे ऐसा आइंदा हम कभी भी ऐसा नहीं करेंगे आकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने गुनाह का एतराफ़ करने लगे तो अल्लाह ताला उनके बारे में आखरून भी हम कुछ ऐसे लोग थे जो अपने गुनाहों का एतराफ़ करे खल अमर सॉन व आई अन बोले कि हम अच्छे अमल करते करते ये बुरा अमल हमसे हो गया कि हम अल्लाह अल्लाह अल्ला, अल्ला के रसूल आपके साथ नहीं चले हम बहाम भी बहाना करके बैठ गए चलो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम परमिशन दे रहे तो बैठ जाएंगे बैठ गए तो अल्लाह ताला ने उनके यानी वो लोग आके अल्लाह के रसूल अल्ला रसम से माफी मांगे तो अल्लाह ताला बोले कि असाला खरीब अल्लाह उनको बख्श देगा क्योंकि वो अपने गुनाहों का इतराफ कर रहे हैं और उनको यानी गिल्टी है इस चीज की कि नहीं करे थे हम नहीं गए अल्लाह की राह में गिल्टी है हालांकि वो लोग लो नेक थे और आगे भी उनसे एक्सपेक्टेशन ये है कि वो आगे इस तरीके की हरकत नहीं करेंगे क्योंकि दिल से तोबा करें और अल्लाह तो दिलों का भेद जानने वाला है इन अल्लाह रहीम और बेशक अल्लाह रहीम भी है मिन खुशबिन सदका इनके मालों में से तुम सदखा ले लो नबी व अल्लाह उनको माफ करेगा अल्लाह उनको पाक करेगा अलैहिम और क्या बोले अल्लाह के रसूल वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये कहा कि उनके लिए दुआ भी कर दीजिए वो रो रहे थे आकर रो रहे थे कि देखो हमको माफ कर दीजिए अल्लाह के वसल्लम हमसे गलती हो गई और जारो ख़तार रो रहे थे और कुछ लोगों ने क्या किया कुछ लोगों ने क्या किया देखिए फिर अगेन मैं बता रही हूँ गजबे तीन गिरोह थे एक तो मुनाफिक थे पक्का मुनाफिक जो उसको उसके नहीं जाने पर जिहाद में कोई अफसोस नहीं था कोई अफसोस बल्कि अभी फरी पीछे हम पड़े ना खुश होता था वो कि, अच्छा हुआ मैंने नहीं गया बज गया बोले तो वो तो खुश थे नउूज बिला लेकिन दूसरे गिरोह में वो मुसलमान थे जो बिला उजर के पीछे रह गए थे तो उनका आलम ये था कि वो अपनी गलती का एतराफ करते हुए उनमें हज़रत अबुलबाबा थे और दीगर पांच छह अफराद थे जो कि इस खदर रोए इस खदर रोए आखिर क्या करे वो लोग जब रसोसम हजरत अबुक से वापस आए ना मदीना तो इन सातों साहबा ने क्या किया अपने आप को मस्जिद नबी के सतूनों से बांध लिया अल्लाह अकबर ये वही वाक़ा है मेरी बहन देखिए मुनाफिक तो वो थे जो खुश थे हम नहीं गए लेकिन मुसलमान जिनको जो थोड़े बहुत थे जो यानी थोड़ी सी उनसे सुस्ती हो गई थी कि वो अः अपने बाग की कटवाई में इसमें इसमें मसरूफ हो गए बोले कि हम ठीक है आप हमेशा जंगों में जाना जरूरी नहीं है भाई पिछले जंगों में गए थे आज ये एक जंग में नहीं जाएंगे फिर अगले जंगों में चले जाएंगे ऐसा सोचे लेकिन जब डांट वाली आयतें जब व ईद वाली आयतें अल्लाह ताला सुना दिए यहाँ पर अः सुरे तौबा की जो आयतें हम पढ़े थे इससे पहले तो वो जब आए थे साहबा कराम सुने तो अल्लाह अकबर उनको इस खदर शर्मिंदगी हुई बोले कि कहीं निफाक हमारे अंदर तो नहीं आ गया अब खाली सतन तोबा करेंगे ऐसी तोबा के अल्लाह हमें माफ ही कर दे और वो तोबा कैसी किए को मस्जिद के, के सतुलों से बांध लिया कि क्या की? अपने आप को मस्जिद के सतुलों से बांध लिया मेरी बहन तारीख में आता है कि तकरीबन चालीस दिन वो उनकी तोबा कबूल नहीं हुई चालीस दिन तक तोबा यानी कर एक महीने के ऊपर हो गया चालीस दिन छोड़िए एक महीने के ऊपर हो गया आता है एक महीने के ऊपर बाज रिज में आते डेज एक महीना दस दिन हो गए थे कहते हैं कि एक महीना दिन हुआ था बहरहाल एक महीने के ऊपर एक महीने के अंदर एक महीने के ऊपर वो बराबर तोबा करते रहे मेरी बहन आज हमारा जज्बा उठता है तो हम थोड़ी देर के लिए निफा खे तो दूर करते दूर करते फिर वही रफ्तार बेढंगी जो पहले थी सो अब भी है वो वाले हमारे मामलात होते हैं लेकिन देखिए यहाँ पर सहाबा कराम का मामला कितने दिन तक और खाली खाली तोबा नहीं है रोना 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 और अल्लाह के हजूर तोबा करना सतुलों से वो लोग बांध लिए थे अपने आप को बोले कि आप मजीद नबी से हटेंगे नहीं जब तक अल्लाह के रसूल आकर अपने हाथों से हमें नहीं खोले तो हमें जब पता चलेगा कि हाँ हमारा गुना माफ हो गया अल्लाह वक्त पर अब देखिये उनकी आजमाइश ऐसा नहीं कि बांध लिए है तो चलो जब कहा जब आयत नाजिल हो गई और अल्लाह के रसूल आय खोल दी ऐसा नहीं हुआ तारीख गवाह है इस चीज़ की तकरीबन एक महीने के ऊपर तक वो वैसी बंधे पर रहे तो वो मजीद नबी के सतुलों से अपने आप को बांध लिए और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब गुजर हुआ उनके पास से तो इनको सतुलों से बंधा हुआ देख कर पूछे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कौन है क्या है मामला इनका तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया गया कि ये सफरे तबूक से पीछे रह जाने वालों में से हजर तबूक में ये लोग शामिल नहीं हुए थे पीछे रह जाने वालों में से हैं इन्होंने अपने आप को इसलिए बांधा है कि आप इनकी माजरत को कबूल कर लें इनकी यानी जो उज्र पेश किया था इनको कबूल कर लें और इन्हें अपने अपने हाथों से खोल दें तो आपने फरमाया मैं उनको उस वक्त तक नहीं खोलूंगा जब तक अल्लाह ताला मुझे हुक्म नहीं देगा क्योंकि अल्लाह ने मना कर दिया था ना पिछली आय जो नाजिल हुई थी तो उसमें क्या था कि तुम इनके बहाने हीले बहानों को तुम अः मत सुनो बोले ना अल्लाह तला फसाफ फरमा दिए ना कि इनके हीले बहानों को तुम मत सुनो बोले ना अब तो इन, इनके बहानों को तुम एक्सेप्ट नहीं करो बोले थे ना अल्लाह तला तो अब अल्लाह अल्लाह के रसूल कहते हैं कि नहीं मुझे तो इजाजत नहीं है कि ऐसे बहानों को मैं परमिशन तक के मुझे हुक्म नहीं देगा कि ठीक है इनके कर लो तब तक मैं कबूल नहीं करूँगा और अल्लाह के रसूल भी चुप हो गए जब आ, ये आयत नाजिल हुई व आ खरुन अभी जो हम पढ़े ना व आ खरुन यानी कुछ ऐसे हैं जो एतराफ़ कर लिए थे इस बात का कि उनसे गुना हो गया है तो ये जब आयत नाजिल हुई तो इस आयत के नजूल के बाद रसोलम ने उनको खोल दिया और इन्होंने कबूल तोबा की खुशी में क्या किया जब इनकी तोबा कबूल होगी तो क्या किया इन्होंने अल्लाह के रहा में बहुत सारा माल लाकर रखा और कहा कि ये अल्लाह के रहा में है। तो अल्लाह के रसुल्लम बोले नहीं मैं तुम्हारा सदखा, जब तक अल्लाह ने बोले कबूल नहीं करूँगा फिर अल्लाह तला ये बोले हम पड़े नाबे खुश बिन वाले ले लो इनके मानो में से सदका और ही वो लोग पाक होना चाहते हैं देखिए इतनी तोबा रोने के बाद तो हम तो 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 हम पूरा गारंटीड हो हो जाते अब तो हो गया, अब अब गया खत्म कुछ भी नहीं है नहीं वो लोग रोए यानी रातों रात भर रोए मस्जिद नबी में मुसलसिल एक महीने तक वहीं बैठ गए रोना रोना और दुआएं मांगना माफी मांगना माफी मांगना, मांगना इतनी माफी चाहने के बाद जब माफी हो गई तो माफी होने के बाद फिर भी शुक्रने के तौर पर क्या कर रहे हैं अल्लाह की राह में बहुत सारा माल लाकर दे रहे हैं तो अल्लाह के रसूल फरमाए कि नहीं ये माल मैं जब तक नहीं लूंगा जब तक अल्लाह ने नहीं तो अल्लाह ताला खुद कहते हैं कि खुद भी वाली है अल्लाह वक्त पर यानी देखिए कैसी तौबत तो नुसूह थी कैसी खालिस तौबा थी उनकी कि अल्लाह ताला ऐसे राजी हो गया उनसे कि उनका जिक्र कुरान में आया उनका जिक्र कुरान में आया कि वह आरुन आता कुछ लोग ऐसे थे जो इन्होंने एतराफ किया अपने गुनाहों का वा आखरा उन्होंने खलत उन्होंने मलत कर दिया था यानी एक ही थे वो लोग बिले जुल अमल किए थे उन्होंने कुछ भले और कुछ बुरे तो जो बुरा अमल उनसे हुआ था उस बुरे अमल की उन्होंने ऐसी तोबा की मेरी बहनों कि अल्लाह सुबहान तला ने आसमानों से उनकी तोबा कबूल करने का परवाना जारी कर दिया सुबहान अल्लाह अल्लाह ने कहा कि असल अल्लाह उनकी तोबा को अल्लाह ने उनकी तोबा को कबूल कर लिया तो और ये भी कहा कि ले लो इनके नबी इनके पास से सदका करना चाह रहे हैं ना अपने आप को पाक करने के लिए ले लो ठीक है व तो उनको पाक कर दो इसके जरिए से और वो लोग ख्वाहिशमंद है ना कि तुम्हारी दुआ उन्हें मिले तो नबी अलैहिम उनके लिए दुआ भी करो अल्लाह अकबर इन लहुम ताके आप की दुआ उनके लिए है अल्लाह देखिए मेरी बहन कैसे अल्लाह कदर करता है अल्लाह ने मुनाफिकों तो ये कहा कि मैं दरकल असफल मिनन्ना निचले दर्जे में डाल के मारूंगा उनको कभी मकफिरत नहीं करूंगा क्यों बोले क्योंकि वो सुधरे नहीं थे अब ये सुधर गए हैं और अपनी गलती का एतराफ़ कर रही रो रही अल्लाह के राह में अः बेदरी माल लुटाने के लिए तैयार हो गए रो रही तोबास्त अखबार कर रहे हैं तो अल्लाह तना रहीम और करीम है कि अल्लाह तला बता रही कि ए नबी इनको मैंने माफ कर दिया इनकी इनकी इनको दरगुजर कर दिया और इनके माल जो अपने आप को पाक करने के लिए दे रहे हैं कबूल कर लो इनके लिए तुम दुआ करो ए नबी सुबह अल्लाह ताकि इनके दिल को तस्किन पहुंचे सुबहान अल्लाह यानी इन देखिए अल्लाह उन खुलूब का भी ख्याल करता है मेरी बहनों जो अल्लाह की तरफ पलटते हैं अल्लाह कितनी प्यारी बात वो खुलूब जो अल्लाह की तरफ रागिब होते हैं अल्लाह हमको हमारे खुलूब को उन खुलूब में से बना दे जिसकी तरफ अल्लाह ताला मुतवज्जा होकर तस्किन खल्ब उनको नसीब फरमाता है और वो खुलूब वो होते हैं जो अल्लाह की तरफ पहले पलटते हैं अल्लाह खुद से उनके ऊपर तस्की नहीं डालता बल्कि वो खलूब जब अल्लाह की तरफ पलटते हैं रोते हैं मेरी बहन खाली हमारे आंखें आंसू नहीं बहाए बल्कि हम दिल से तड़प के अल्लाह से माफी मांगे और ये कोशिश करें कि, कि निफा हमारे अंदर नहीं आने पाए देखिए साहब अकराम अपने आप को सतूनों से बांध लिए थे यानी बांध लिए बोले कि मतलब हो सकता कि मतलब एक बात की कसम खा लिया बंदे ने कि मतलब मैं मुसल तोबा तोबा सफवार करूंगा जब तक अल्लाह मुझे माफ नहीं करे तो देखिए कैसे अल्लाह ने उनको माफ़ किया और एक भी मुसलमानों का मुखलिस गुरु था जिन्होंने अपने आप को सतूनों से नहीं बांधा लेकिन और आ, की खिदमत में हाजिर होकर अपने आ, गुनाहों का एतराफ कर लिया था इस आयत में उन लोगों का भी जिक्र है। जिनके मामले को क्या हुआ था मौखर कर दिया गया था रोक दिए अब ये लोग तो आके मस्जिद में अः ठहरीच गए थे मतलब जब वो कहते ना कि मतलब दर पे आए अब जब तक माफी नहीं हम देंगे हमको बाहर नहीं निकलेंगे ऐसी बात होगी ना ये अल्लाह के दर पे आए मस्जिद में आए अल्लाह के दर पे आए और मस्जिद मतलब रो रही, रो रही, रो रही। कुछ लोग थे जो आके बांधे नहीं कंटिन्यू वो तोबा सकवा नहीं किए लेकिन आके इतराफ कर लिया और बोले कि हम अः के रसूल हम मा, माफी चाहते हम आइंदा नहीं करेंगे ये बात उन्होंने तस्लीम की लेकिन उनके माफ़ी को अल्लाह ने थोड़ा मौखर कर दिया उनके माफी को अल्लाह ने मौखर कर दिया थोड़े दिन के बाद उनकी माफी हुई तो अल्लाह ने कैसे मामला किए उन लोगों के साथ आज हमारे सामने हैं तो हमें चाहिए मेरी बहनों कि हम भी अल्लाह ताला के हजूर खाली सतन तोबा करें ऐसी तोबा इसको इसी को कहते हैं तोबतूर ये जो साहबा ने सात साहबा ने अपने आप को मस्जिद नब्बी के सतूनों से बांध लिया था और रो रो कर अल्लाह के हजूर तोबा की थी और यानी कई दिनों तक कई दिनों तक ये लोग अपने आप को बांधे रखे मस्जिद नबी के सुनों से और वो रोते रहते थे और अल्लाह से मगफिरत और इधर नबी सुरसरम भी परेशान है कि अल्लाह उनको माफ़ कर दे दुआएं भी कर रहे हैं लेकिन ये अपनी तरफ से ये नहीं कह रहे कि चलो अल्लाह ने माफ़ कर दिया तुम्हें और अल्लाह माफ़ कर देगा ठीक है अपने ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करो नहीं बल्कि अल्लाह के रसूल रसूसरम भी उस वक्त खामोश थे और आप भी बेचैन रहते थे कि कब अल्लाह उनकी दुआ को कबूल कर लेगा कब उनके माफी हो जाएगी अब जिस वक्त माफी हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद खुशी से खुशी से यानी जल्दी जल्दी आए और उनको खोला और उनको खुशखबरी सुनाई अपने हाथों से अपने दस्ते मुबारक से उनके यानी जो बांध लिए थे मस्जिद नबी के सतूनों से अपने आप को उनको खोला और खुशखबरी सुनाई कि हाँ आज तुम्हारी अः मफफरत होगी आज अल्लाह ने तुम्हें माफ कर दिया तो सुभान अल्लाह देखिए ये होती है तौबा कि अल्लाह के हुजूर ऐसे तौबा करना ऐसे तौबा करना ऐसा तौबा करना कि अल्लाह माफी कर दे एक मरतब वाली तोबा नहीं दो मरतबा वाली नहीं बार 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 अल्लाह की तरफ तोबा करना रुजू करना क्योंकि अल्लाह ताला कैसा है अलीम, अल्लाह बहुत ज्यादा सुनने वाला बहुत ज्यादा जानने वाला है, अल्ला है खबर नहीं है कि अल्लाह ने अल्लाह ही ने अपने बंदों की तोबा को कबूल करता है क्या फरमायाम क्या वो नहीं जानते हुआ अमदल के अल्लाह हुवा वही खुबूल करता है तोबा को अन इबाद ही अपने बंदों से यानी अल्लाह ताला बता रही कि तुम इधर उधर क्यों जा रहे हो या फिर क्या तुम तुम्हारी गलत फहमी तुमको नहीं पता कि अल्लाह ही है ना तोबा को कबूल करने वाला तो आओ अल्लाह की तरफ क्या उन्होंने ये नहीं जाना कि वो अल्लाह ही है जो तोबा को कबूल करता है अन ही अपने बंदों से विया खुज सदक़ात और वो वही सदक़ात को कबूल करता है हुआ तबाबीम और अल्लाह वही है तोबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला सुफान अल्ला।, अल्ला क्या प्यारा बयान है अल्लाह तबारा का मेरी बहन कि अल्लाह ताला कहता है वह अन्ला तबाबुल रहीम बोल सकते थे अल्लाह ताला के अल्लाह अल्ला तबाब रहीम है तोबा कबूल करने वाला रहम करने वाला अन्ला के बाद हुआ आया फिर वही यानी बात को जोर डालने के लिए अल्लाह तहता है कि अल्ला ही है जो तोबा को कबूल करता है किसके दर पे जा रहे हो तुम कहाँ जाकर माफिया तलब कर रहे हो किससे कह रहे हो कि जाओ अल्लाह से दुआ कर दो मेरी तोबा की अल्लाह से कहो मुझे माफ कर दे ये दर पर जा रहे हैं वो दर पर जा रहे हैं उनसे कह रहे हैं कि हमारे पास अल्लाह की माफी पहुंचा दो देखिए ये साहबा अगर चाहते तो ये आके अल्लाह के रसूल को चिमट चिमट जाते थे नहीं अल्लाह के रसूल आप महबूब तरीन शख्सियत हैं अल्लाह साल की अल्लाह साल आपको बहुत चाहते हैं आप वक्त के नबी हैं आप आ, आप बोलो माफ कर दो आप बोलो माफ कर दो आके छिपड़ जाते थे ना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं चिमटे देखिए बा हयात है सामने जिंदा मौजूद हैं उसके बावजूद जाकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये नहीं कहे कि आप दुआ करो आप दुआ करो आप नहीं खुद को बांध लिया जाकर मस्जिद नबी में और अल्लाह से माफी मांग रहे हैं पहले अल्लाह के रसूल वसलम से भी माफी मांगा और अब अल्लाह से भी माफ़ी मांग रहे हैं अपने मामले को अल्लाह के सुपुर्द कर देना ये ईमान की अलामत है और दूसरों के दर पर नहीं जाने ये तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं उसके बावजूद आपसे भी कह दिया लेकिन ये नहीं कि बस इक्तफा इस पर ही कर लिया खुद दुआ नहीं कर रहे खुद रसूल रसोल को ही कर रहे, आप ही दुआ करिए आप ही दुआ ये नहीं कहा ना आज हमारी नादान बहने फला मज़ारों पर जाती हैं फला मजारों पर जाती हैं है, वो मज़ार पर गई ये मजार पर गई जाके बोले अल्लाह साहेब बख्श दो बोलो अल्लाह ताला को हमको साहेब हमारे लिए ये कर दो साहेब हमारे लिए कर दो अन की पनाह तलब करें हम ऐसी जहालत से कि ये ये वो वो ये हमको माफ नहीं करेंगे, ये नहीं है पहुंचाए हमारी बातों को नहीं मैसेंजर थे अल्लाह के रसूल मैसेंजर कौन है अल्लाह के रसूल जिन्होंने पहुंचा दिया बात को खलास वो दौर में साहब आके पूछे अल्लाह के रसूल रसुलसलम को बोले कि अल्लाह के, अल्ला के रसूल हमारी दुआ कर दीजिए तो अल्लाह रही मैंने माफ कर दिया इन्हें अब ए नबी तुम भी इनके लिए दुआ करो ताकि और भी सुकून हो जाए दिल को सुकून हो जाए इनके और अल्लाह बता रही कि ये नहीं जानते कि अल्लाह ही है तोबा को कबूल करने वाला पहले तो बोल दिया कि ठीक है तुम ए नबी इनके लिए दुआ करो और इनके ताकि सुकून हो जाए फिर अल्लाह ताला ये फरमा दे रही कि देखो क्या तुम ये नहीं जानते के अलम या अलमू? क्या तुम ये नहीं जानते हुआ हुआ यकबल थे जो तौबा को कबूल करता है अपने अपने बंदों से और वही अपने सदाकत को तुम तुमसे सदाकत को कबूल करता है और ये कि अल्लाह ही तौबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला व खुली अमलू कह दीजिए तुम अमल किए जाओ فسيرى فسيرى الله عملكم ان خريب الله تمہارے اعمال کو دیکھ لے گا ورسول اور اس کا رسول بھی بل مؤمنون اور مؤمن بھی ایمان والے بھی دیکھیں گے اور تم نے ایسے اور تم کو پھر وسط تردون الى عالم الغیب والشهادہ اور تمہیں ان خریب ایسے عالم الغیب والشهادہ کی طرف تم لوٹائے جانے والے ہو پھر وہ تم فسفن و ابفن و فینبئکم بما کنتم تعملون پھر وہ تمہیں بتلا دے گا کہ تم کیا عمل کر کے آئے تھے اللہ اکبر ये पिछड़े भी आई आए ये आयत मेरी बहन ये उनके लिए आई मुनाफिकों के लिए के अन खरीब तुम्हारे अमाल अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाए जाएंगे उसने पता चल जाएगा चल गया कि तुमने क्या किया अब यह मोमिनों के बारे में भी आ रहा है मोमिन को अल्लाह तला कह रहे हैं खुशखबरी है तुम्हारे लिए कह दो खुली अमल बस तुम उनसे कह दो कि तुम अमल करते जाओ अन खरीब तुम्हारे अमाल अल्लाह और उसके रसूल के सामने और मोमिनों के सामने आएंगे खुद अल्लाह अल्लाह तुम्हारे अमाल को देख लेगा तुम्हारा अमल अल्लाह खुद देख लेगा और उसका रसूल और ईमान वाले भी देख लेंगे है नी मतलब ये कि नेक अमल करते जाओ इनशा इन अल्लाह वो मकबूल होगा उम्मीद भी रखो अल्लाह से ऐसे नहीं कि उम्मीद नहीं रख रहे अल्लाह से और आ, बार बार सिर्फ रो रहे हैं सिर्फ रो रहे हैं सिर्फ इस कर रहे हैं सिर्फ रो रहे हैं उम्मीद ही नहीं अल्लाह से ऐसे नहीं करना चाहिए उम्मीद भी रखना चाहिए रोए गिड़गिड़ाए अल्लाह के सामने फिर उम्मीद भी रखें कि अल्लाह माफ कर देगा इन क्योंकि अल्लाह तला कहता है कि अः इन अन्ला हुआ अखबल अल्लाह ही है वो जो तौबा को तुम्हारे कबूल करता है और अल्लाह ही है जो तोबा कबूल करने वाला और रहम करने वाला है हमारे अमाल अल्लाह के पास पेश होते हैं और अल्लाह ताला उसको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बतलाएंगे मोमिन को भी बतलाएंगे देखो ये प्यारे अमाल करके आए हैं हम लौटाए जाएंगे मेरी बहन बस तुरना और अल्लाह तला बता रहे अन खरीब तुम लौटाए जाओगे इला इलामी व शहादा वो आलिमैब और शहादा यानी मतलब ये कि गैब और हाजिर का वो जानने वाला बता रहा है कि वो बतला देगा तुमको कि तुम क्या अमल करके आए थे आगे एक मस्जिद जरार के बारे में आ रहा है लास्ट पॉइंट है ये कि आगे मस्जिद जरार क्या थी ये मस्जिद जरार मस्जिद जरार वो थी मेरी बहन अल्लाह रही की अः हाँ और एक आए थे कि वह आखरुन अमरिल्ला अल्लाह तला बता रही है, कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका मामला अल्लाह के हुक्म आने तक मुलतवी है ये अभी मैंने बताया ना तीसरा गिरोह था जो आ, यानी माफी तो चाहे थे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आके लेकिन उन्होंने अपने आप को सतुलों से नहीं बांधा था तो इनके मामले को मवखर कर दिया गया इनके मामले को मवखर कर दिया गया यानी उन्होंने सतुलों से अपने आप को नहीं बांधा था ना मतलब मौखर कर दिया गया ये तीन अफराद थे ये तीन अफराद थे जिनके बारे में अल्लाह अल्लाह तला ने क्या किया उनकी तोा को मौखर किया बाद में फिर उनकी भी तोा कबुल हो गई अल्लाह तता रहा कि व आखर मर्जुन अमरिल्लाज व इमा यसुआलिम यानी उनको अल्लाह चाहे तो सजा देगा चाहे तो माफ़ कर देगा ये अः अगर वो लोग फिर अपनी गलती पर इसरार करेंगे तो फिर अल्लाह उन्हें माफ़ नहीं करेगा और अगर दोबारा गलती नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह तक माफ कर देगा ये अल्ला ने ऐलान किया व इम्मा यसुब हकीम क्योंकि बहुत इल्म वाला और बड़ी हमत वाला है और अब यहाँ पर मस्जिद जरार का पॉइंट आता है क्या थी कि मेरी बहनों कुछ लोगों ने ऐसी मस्जिद बनवा दी थी जो कि फितने फसाद करने के लिए मस्जिद बनाई मस्जिद मुनाफि मस्जिद बनाई और वो मस्जिद का यानी मकसद क्या था एक बहुत बुरी हरकत थी मुनाफि की बहुत बुरी हरकत थी मुनाफि की उन्होंने क्या किया एक मस्जिद बनाई और नबी को बार बार ये कहने लगे कि आओ और इसकी इसमें हमको नमाज पढ़ाओ और ये कहने लगे कि बारिश सर्दी की वजह से हम वहाँ चलकर नमाज यानी नमाज नहीं, नहीं पढ़ सकते हम वहां तक आके बारिश है सर्दी है फला है ये है कुछ भी कुछ भी बहाने कर रहे थे लेकिन असल इनका मकसद क्या था असल इनका मकसद क्या था कि ये फितने मचाए उस मस्जिद को बनाकर और ये बतलाना चाह रहे थे कि हम गजवे तबूक में नहीं गए तो क्या होता देखो हम मस्जिद बनाए अहम अहम पॉइंट है ये सुनिए गौर से ये मस्जिद बना के ये साबित करना चाह रहे थे कि हम भी बहुत बड़ा नए काम कर रहे हैं तो नबी नबीरम चूंकि इनके अः निफाक से वाकिफ नहीं थे अल्लाह ने खुद कहा ना ला आलम तुम नहीं जानते नबी तो अल्लाह के रसूल रसुलसम नि, इनके निफाक से आ, आगा नहीं थे तो अल्लाह के रसूल वसलम ने कहा कि ठीक है मैं गज़ब से आने के बाद मस्जिद में आऊंगा बोले और नमाज पढ़ाऊंगा तुम्हें और अब ये इंतजार में है अभी आ जाएंगे तो बोले कि देखो हम तो मस्जिद बनाए देखो अल्लाह के रसूल भी हमसे राजी हैं आके नमाज पढ़े यहाँ पे नहीं ये असल काम है मस्जिदें बनवाना मस्जिदें बनवाना आज भी यही हो रहा ना आज भी यही हो रहा ना किसी कहने वाले शायर ने बहुत खूब कहा मस्जिद तो बना ली पन भर में ईमान की हरारत वालों ने मन अपना पुराना पापी है बरसों में नमाजी बन ना सका नमाजी तो नहीं बनेंगे मस्जिदें बना लेंगे बड़ी शानदार तामीर कर लेंगे फानूस लगा रही अंदर लाइटिंग्स लगा रही फला कर रही बड़ी बड़ी मस्जिदें सजा दे रहे मस्जिदों को लेकिन वहां पर खलूब में ईमानी नहीं है ठहर के नमाज तो पढ़ रहे हैं। लेकिन खलूब में ईमानी नहीं है आ, इमाम क्या पढ़ रहा है इमाम को नहीं समझ में आ रहा है मख्तिया क्या पढ़ रहे हैं वो भी सम... मुख्तियों को समझ नहीं आ रहा कि इमाम क्या पढ़ रहा है अरे लीड करने वाले कोई पता नहीं है कुरान की आयतें पढ़ रहा है हाफिज है हाफिज है पढ़ रहा है कुरान की आयतें बड़ी खूबसूरती से पढ़ रहा है लेकिन उसका तर्जमा उसे खुद नहीं पता क्योंकि वो आलिम नहीं है वो जानता नहीं है कि क्या पढ़ रहा है तो क्या फायदा क्या फायदा इसी इबादत का पढ़ेंगे समझेंगे तो पता चलेगा ना कि ईमान वो है कि इंसान मर मिटने के लिए तैयार हो अल्लाह की राह में यानी ठंडे ठंडे मीठे मीठे बातें चाहिए ठंडे ठंडे ऐसिया लगाए पूरे नमाजें पढ़ लिए वहां पर और इबादत कर रहे हैं बोल रहे हैं कि दाढ़ी भी छोड़ लिए देखो हम इबादत भी कर रही पांच वक्त की नमाज भी पढ़ रही कभी तहाजुद में भी चले जाते हैं जिक्र अस्कार करते हैं यही इस्लाम नहीं है सिर्फ यही इस्लाम नहीं है इस्लाम तो अहाता करता है सारी दुनिया पर सारी दुनिया के मामला पर तो मेरी बहन वो जमाने में भी मुनाफिक थे जिन्होंने क्या किया मस्जिद बनाई और उसको क्या अल्लाह मस्जिदन ऐसे जिन्होंने मस्जिद बनाई मस्जिद व कुफरन तफरी बैन अलमोमिन ताकि क्या करें इस गर्ज के लिए मस्जिद बनाई के जरा पहुंचाएं कुफर की बातें करेंगे उसमें ईमानदारों में तफरीक डालेंगे वह इरसादन हा रबल रसूल حارب लिबन हाबल रिन उस शख्स के यानी मतलब ये कि ये क्या कर रहे थे कि जो मस्जिद बनाई इसका मकसद ही तख्वा नहीं था इसका मकसद क्या था लोगों को जर पहुंचाना कुफर की बातें करना ईमानदारों में तफरीक डालना और उस शख्स के खयाम का सामान करें जो पहले ही से अल्लाह और उसके रसूल का मुखालिफ है यानी जो जो मुखालिफ वाले हैं ना जो जो ठंडे ठंडे मीठे मीठे सुन्नते होना उनको ऐसे अमाल होना जो आसानी से कर ले सकना ऐसे ख्याल के जितने भी है पूरे चट्टे बट्टे वहां जमा करना चाह रहे थे इस मकसद के लिए उन्होंने क्या किया ये मस्जिद बनाई तो अल्लाह ताला बता रही अल्लाह ने वसल्लम को आगाह कर दिया हालांकि वो खस्बे भी खा रहे थे अल्लाह ताला बता रही फुन्ना इन आराधना खसम खा खा के बोल रहे थे नहीं 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 हम अल्लाह की कसम खा के बोल रहे हैं नबी हमारी नेक नीयत है अल्लाह गवाह है अल्लाह ताला बता रहे हैं अल्लाह गवाह है ये छूटे हैं अल्लाह यश हदल ये लोग नेक है हम लोग नेक है अल्लाह के रसूल आइए आप नमाज पढ़ाइए यहाँ पर ये पूरे बदमाश जमा हो गए थे पूरे सारे मुनाफि एक जगह मस्जिद बना ली और कहने लगे कि हम आप भी आइए यहाँ पर नमाज पढ़ी वो मस्जिद को ढा दिया गया था, 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 था।, था, था, था।, था, था जब अल्लाह का यह हुक्म आया ना अल्लाह ने कहा कि मस्जिद जरार इन्होंने जो बनाई वो सरासर नुकसान के लिए बनाया मुसलमानों के तो अल्लाह ने क्या किया उस मस्जिद को ढाने का हुक्म दिया और अल्लाह अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अपने हाथों से यानी उस हुक्म दिया अपने जुबान जुबान से जुबाने मुबारक से कि इस मस्जिद को ढा दो क्यों क्योंकि अल्लाह ताला ने इसका हुक्म दिया अल्लाह कहता है कि ये वल्लाहु लकादिबून अल्लाह गवाह है इस चीज़ का कि बेशक ये झूठे हैं ला तखुम अबदन ऐ नबी तुम कभी जाके वो मस्जिद में मत ठहरो बोले आपके लिए लायक ही नहीं कि उस मस्जिद में आप जाकर ठहरे तो बहरहाल वो मस्जिद कौन सी थी उसका आगे कोई हमें में सरी उसका यानी नहीं मिलता बस हम इतना समझेंगे कि एक मस्जिद इन्होंने बनाई थी जिसमें अल्लाह ताला ने जाने से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया और कहा ला तक ही अब नबी तुम कभी भी इसमें मत ठहरो अलबत्ता अलबत्जिद अलबत्ता ऐसी मस्जिद जो उस तखवा तखबे की बुनियाद पर रखी गई है के मिन यौमिन पहले दिन से तखवे की बुनियाद पर उसे उसकी बुनियाद रखी गई तुम ए नबी तुम इजादा हक हाँ रखते हो इसमें कि तुम उसमें ठहरो उस, उस मस्जिद में आ, ख्याम करो क्या बोले अल्लाह ताला अलब जिस मस्जिद की बुनियाद अव्वल दिन से तखबे पर रखी गई है वो इस लायक है कि आप इसमें खड़े हों और वो मस्जिद कैसी ऐसी मस्जिद जिसमें लोग कैस क्या करते हैं अपने आप को खूब पाक करने को पसंद करते हैं यानी इबादत भी करते हैं तोबास्तार भी करते हैं रोते हैं अल्लाह के हुजूर और गिड़गिड़ाते हैं और ये माफिया तलब करते हैं जैसे अभी हमने पिछले वाक सुना ना सात लोग जिन्होंने अपने आप को बांध लिया था मस्जिद नबी में और इतना तोबा इतना तोबास्तफार करे तो तौबा स्तबार करते हैं मसाजिद में बैठ कर ऐसा नहीं के बस छोटी मोटी इबादत कर ली और चलते फिरते नजर आए फर्ज हुआ सुन्नत का टाइम ऐसा होता थोड़ा मस्जिद लॉक डाल दिए चलो चले गए हो गया काम कि मस्जिद सिर्फ इसलिए नहीं रहती मस्जिदों को लॉक नहीं डालना चाहिए अपने मोहल्लों में अगर ऐसी चीज हो रही है तो रोके उनको क्योंकि मस्जिद का मकसद सिर्फ ये नहीं कि फर्ज लिए दो सुन्नत पढ़िए निकल गए दो नफिल पढ़िए निकल गए खत्म नहीं बल्कि मस्जिद एक तखबे का मुकाम है एक इंसान जब मस्जिद को जाता है तो वहां से वो तखबा लेकर उठे तो अल्लाह ताला बता रही कि कुछ लोग ऐसे इसमें ऐसे आदमी है कि वो खूब पाक होने को पसंद करते हैं यानी मस्जिदों में बैठने वाले वो होते हैं जो खूब पाक होने को पसंद करते हैं और आ, और अल्लाह खूब पाक होने वालों को पसंद करता है अल्लाह यहीबुल और फिर आया ऐसा शख्स बेहतर है जिसने अपनी इमारत की बुनियाद अल्लाह से डरने पर और अल्लाह की खुशनुदी पर रखी हो या वो शख्स जिसने अपनी इमारत को इमारत की बुनियाद किसी घाटी के किनारे पर जो कि गिरने ही को है रखी हो फिर वो हमेशा ही दोजख दोजख की आग में चलेगा और अल्लाह ऐसी जालिम कौम को हिदायत नहीं देता उनकी इमारत जो उन्होंने बनाई है हमेशा उनके दिलों में शक की बुनियाद पर कांटा बनकर खटकती रहेगी हाँ मगर उनके दिल ही अगर पाश पाश हो जाए अल्लाह तो बड़ा इल्म वाला और हिकमत वाला है वल्लाहु वह हकीम। यानी वो मस्जिद जो तखबे की बुनियाद पर रखी गई जिसमें इंसान आकर अल्लाह से डरता है और अल्लाह से माफिया तलब करता है और अपने आप को मुत्तकी बनाने की कोशिश करता है तो अल्लाह ताला भी उसको मुत्तकी बना देता है अल्लाह ताला बता रही कि वो अल्लाह तखवे यानी अपने आप को पाक करने वाले को पसंद करता है और ऐसे लोग जो अपनी मस्जिद यानी इमारत की बुनियाद अगर अल्लाह से डरने पर और खुशनुदी के लिए अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए अल्लाह को राजी करने के लिए उसमें कोशिश करते हैं उस इमारत में यानी उस मस्जिद में अल्लाह को राजी करने की कोशिश हर मुमकिन कोशिश होती है इसमें खुशनुदी पर रखी हुआ मतलब ये कि वो इमारत बनाई गई इस वजह से कि सिर्फ ऐसा नहीं कि वो चार रकात फर्ज दो सुन्नत दो नफिल पड़ और चले गए नहीं बल्कि उसमें अल्लाह को राजी करने के हर वो काम होते हैं अल्लाह को राज़ी करने के हर वो काम होते हैं तो फिर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि वो मस्जिद उसके बराबर हो सकती है जो किसी घाटी के किनारे पर है जो गिरने ही वाला है मतलब ये कि उसको कुछ भी नहीं है यानी ऐसे अः कमजोर ईमान वाले वहां पे आते हैं बस नमाज पढ़ी चले गए उनको कोई गर्ज नहीं है किसी मुसल दूसरे मुसलमान से उन्हें कोई गर्ज नहीं है उन्हें किसी को यानी सलाम करना तक गवारा नहीं होता उन्हें बस नमाज पढ़ना जाना घर में अपने काम कर लेना क्या बोले कि नहीं नमाजी है हम जन्नती है ये ख्याल में अपनी जिंदगी गुजारते हैं नउूजुबिल्ला तो ऐसा नहीं है बल्कि अल्लाह ताला को ये ईमान ऐसा मतलूब है जो साहबा वाला था अल्लाह ताला बार, बार निफा की तरफ बताते हैं मुनाफिकीन ऐसे होते हैं जो मस्जिदें भी बनाते हैं तो इसलिए बनाते हैं ताकि सिर्फ आकर उसमें यानी फर्जी इबादत करें और निकल जाए बाकी और तखबा परेजगारी अल्लाह को खुश करने वाले कोई काम उसमें नहीं होते तो अल्लाह तला बता रहे हैं ऐसे जालिमों को अल्लाह हिदायत नहीं देता और अल्लाह तला ये बता रहे हैं कि उनकी यानी उनके दिल में ये खटकती है चीज और वो उनके दिल पाश पाश हो जाएंगे अल्लाह उनको दुनिया में भी जलील करेगा और आखिरत में भी जलील करेगा और अल्लाह ताला बड़ी इल्म और हिकमत वाला है और आखिर में अल्लाह ताला ने ये बतला दिया कि अल्लाह को बेहतर मालूम है कि कौन आ, इस तरीके के काम करता है और कौन अल्लाह ताला की राह में मर मिटने वाला है क्योंकि अल्लाह ही है जो अलीम और हकीम है अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अः निफाक से दूर रखे और तौबतुख करने की हमें तोफी अता फरमाए अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें खालिस तौबा करने की हमें तोफ़ी नसीब फरमाए और हमें उन मोमिनों में शामिल कर दे जिन पर अल्लाह ताला अपनी रहमत खास बरसाता है आमीन या रब सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा व सलामुन अलल मामीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन सुबह اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك